शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की परेशानी पर शदीद रद्द अमल सामने आया है। ऑपोजिशन लीडर ने पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हुकूमत से खुसूसी परवाजें चलाने का मुतालबा किया है। सदर मुस्लिम लीग नून और कौमी असेंबली में कायदे हिज्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की परेशानी पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया और उनकी फौरी वतन वापसी के लिए इजाफी और खुसूसी परवाजें चलाने का मुतालबा किया है। शहबाज शरीफ ने हुकाम से मुतालबा किया कि जहाज चार्टर करें लेकिन ईद उल फितर से कबल बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों की वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के साथ भेड़ बकरियों का सलूक बंद किया जाए। मरीज, बुजुर्ग, तलबा, फैमिली समेत दीगर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना था कि पाकिस्तानी सिफारतखानों पर लंबी कतारें हुक्मरानों की बेहिसी और पाकिस्तानियों की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के साथ ये रवैया इंतहाई काबले मजम्मत, काबले अफसोस और शर्मनाक है। हर मरहले पर मुल्क की मदद करने वाले पाकिस्तानियों को सफाक हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कायदे हिज्ब इख्तलाफ ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए अब कमिटमेंट कहाँ है। हुकूमत को ये एहसास भी नहीं कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के पास वसाइल भी खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा को एहसास होता तो अब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता। हुकूमत की तवज्जो अवाम की मुश्किल हल करने के बजाय तकरीरों, तसल्लियों और ओपोजिशन को फतह करने पर है।